प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में पुलिस और भक्तों के बीच झड़प हुई है। ये झड़प उस वक्त हुई जब एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान मंदिर में दर्शन के लिए आए थे और देखिए किस तरह से पुलिस ने वहां मौजूद महाकाल के भक्तों पर लाठीचार्ज किया, मार पिटाई की। तस्वीरें महाकाल मंदिर की दिखा रहे हैं जहां पर कांवड़ियों की पिटाई की गई है। वजह शिवराज सिंह चौहान का दौरा होने वाला था। प्रवीण दुबे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, अमूमन भक्तों के लिए और भगवान के लिए दोनों के लिए बराबरी का दर्जा होता है, लेकिन जब भक्त वीआईपी हो तो ट्रीटमेंट भी वीआईपी होने लगता है और ये तस्वीरें गवाही दे रही है इस बात की। जी हाँ, बहुत छोटे छोटे बच्चों को मारा। एक बच्चा तो लगभग 8-1 साल का है जिसे मारा। उसके जो पापा है वो चिल्लाते रह गए क्योंकि पुलिस दरअसल जब शिवराज अपने परिवार के साथ अंदर पूजा कर रहे थे तो बाहर कांवड़िए खड़े हो गए थे क्योंकि आज ये सावन का पहला सोमवार है, महाकाल की बहुत आस्था है। इस वजह से यहाँ पर भीड़ थी। लोग चाह रहे थे कि उन्हें जल्दी दर्शन के लिए अंदर जाने दिया जाए, लेकिन शिवराज वहां पर सपरिवार पूजा कर रहे थे इसलिए रोका गया। थोड़े बहुत हंगामे जब लोगों ने शुरू किए तो फिर पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा और बच्चों पे भी लाठियां भांगी। एक बेहद आपत्तिजनक बात है। पुलिस से किसी तरह की आपकी बातचीत हुई? दलील क्या थी इस तरह की मारपिटाई करने के पीछे वो दे रहे थे? दरअसल पुलिस पूरे मामले को जस्टिफाई कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि कोई ऐसा बल प्रयोग नहीं हुआ, सिर्फ लोगों को समझाइश दी गई है, ये कहना है पुलिस का। और ये कह रहे हैं कि चूंकि वो लोग अंदर आना चाह रहे थे और व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए उन्हें थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोका जा रहा था, क्योंकि मंदिर में ज्यादा भीड़ ना हो इसलिए किस्तों में लोगों को अंदर भेजा जा रहा था। ये पुलिस का तर्क है। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि पुलिस ने बच्चों के साथ तक किस तरह से बेदर्दी की है। देखिए, एक तरफ महाकाल के दर्शन के लिए पूजा अर्चना कर रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनका पूरा परिवार कुनबा एकत्रित है, वहीं दूसरी तरफ बाहर व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे इस बात की दलील देते हुए कांवड़ियों के साथ मारपिटाई की गई है।